हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी मुज़फ्फर खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसे कि आज ऐसे बैठे हुए थे और हम चारों निकल रहे हैं सहरी के लिए और हम जा रहे हैं हाईवे की तरफ। तो हमें कुछ पता नहीं कि अभी हम जाएंगे कहाँ, वैसे हो सकता है हम शाहीन चंदवारी जाएं, तो निकल चुके हैं। अब पता नहीं है कि करना क्या है, लेकिन आगे देखते हैं क्या सीन है। तो बस अभी डलवाने रुके हम पेट्रोल और बस पेट्रोल लगाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। वही कहाँ जा रहे हैं वैसे सहरी पे, कुछ पता है? बज रहे हैं, मतलब बजना पड़ेगा, रमजान है भाई, 30 के 30 दिन व्लॉग बनाना है, कुछ ना कुछ तो बनता ही रहेगा भाई। तो पेट्रोल लगाते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं। भाई निकले हम ऐसे ही इफ्तार सहरी के लिए थे कि हम हाईवे पे कहीं चले जाएंगे, लेकिन हम पहुंच गए बैरिया टाउन क्योंकि हमारा एक अदर दोस्त है, उसके साथ हमने इफ्तारी सहरी करनी है। तो बस पहुंच गए हम लोग, मूड हमारा कहीं का था और हम कहाँ पहुंच गए। तो अब देखते हैं आगे हम लोग सहरी करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पे कुछ पता नहीं है क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ घर पे कर लेंगे उसके, हाँ उसके घर पे कर लेंगे, ना हुआ तो भाई वही दही लेने निकला था, ये कहाँ बैरिया कहाँ पहुँच गया। यहाँ आगे पता चल रहा है कि पूरा रमजान भी मुबारक हुआ है, वरना तो हमारे शहर में कहीं नहीं लगा हुआ उन्होंने रमजान मुबारक, लेकिन यहाँ लगा हुआ है। तो बस हम बैरिया में अंदर आ चुके हैं और अभी हम पहुँच चुके हैं बैरिया टाउन में और दोस्त के घर पे लोग फौरन निकल गए वॉशरूम। हमारे तो हमारे बॉयज का ना वॉशरूम का बड़ा मसला है, वैसे हमेशा होता है। मेरा मसला ठीक हो गया, क्या मसला क्या होता भाई? वो मैं जिम से आता था, वो पानी पीता था ज्यादा ना, इंटेक ज्यादा था पानी का ना, इस वजह से हाइड्रेट रहता था, रोजे रोजे लग रहे ना, इस वजह से इसका मसला कम हो गया। तो हाँ कर लेंगे, चल ये हमारा दोस्त ईजान अहमद, इसके पास हम हाँ हेलमेट तुम्हारा है, पबजी खेलने इसका हेलमेट है। अच्छा तो फिर चलो गाड़ी में रखो उसको, हालत देख के भी लग रहा है मजदूर का हेलमेट है। अब जा रहे हैं हम कहीं आगे थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए, वैसे पीने के लिए आ रहे हैं, लग रहा है चाय। और वो देखे एक बच्चा पागल स्नैप बना रहा है, एक बच्चा को बच्चा पागल हो गया हमारा एक, देखे उसको। आ जा माना फिर खड़ा हो, साइकिल खड़ी कर, चल बहुत हो गया तेरा रेंट पूरा हो गया, चल तेरा रेंट पूरा हो गया, खड़ी कर अंदर चल। मच्छर मार रहा है वाकई में, पराठे लेने गए थे, ये हम कहाँ घूम रहे हैं अंदर, पराठे हमें मिलेंगे कहाँ पे, वैसे जगह कौन सी है, मुझे लग रहा है वहाँ मिलेंगे। बुरा 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 लड़का वहाँ पर, तुम भी आ गए दुबई मॉल में, घूम रहे हम लोग, हमारा मिलेंगे पराठे ले लिए, मच्छर घूम रहा है गाड़ी के अंदर, पागल पागल अभी ये निजाम लग गई पागल। सहरी हम ऐसे बाहर करने के लिए निकले थे और हम कर रहे हैं घर के अंदर सहरी, तो एक दो तीन और ये चार, क्या खाने में क्या क्या है, हमारा एक कीमा है, दूसरा हमारी कढ़ाई है, तीसरा हमारे कबाब है, चौथा हमारा अंडा है जो मैं खाता नहीं हूँ। क्या हुआ ऐसे सजा क्यों बैठा है जाता है आपको? चाय आ गई भाई, चाय आ गई है, चाय आ गई है, पराठे भी हमारे बाहर के। चलो भाई तो भाई सहरी वगैरह कर ली है सारी, अल्लाह का शुक्र है, और अब है हमारी चाय की बारी। वैसे बाहर से अच्छा हुआ हमने घर में सहरी कर ली, ज़्यादा अच्छी हुई है हासिल, थैंक यू विदान भाई। चलो भाई अब चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं क्योंकि टाइम भी मेरे घर से 15 मिनट बचे हैं बस। तो भाई सहरी वहरी करके किस तरह हमने ग्लास रखे हुए, ये तो लेट ही है और अब बस हमें जाना है इतना दूर घर। साइकिल चला लो, मेरे घर से कम हो जाएगी वो पेट। चलो भैया जाना हो गया, पानी पीना था भाई। सहरी में तो हम चले गए थे दोस्त के घर पे और अब हम डायरेक्ट मिलेंगे इफ्तार के अंदर, क्योंकि उस टाइम हम डायरेक्ट घर आ गए थे, बहुत दिन में थे और कुछ कर सकते नहीं थे, वैसे भी रोज़ा था। तो अब आए घर पे और अभी बस नमाज वमाज पढ़ते हैं, जोहर की भी नमाज सीख ली हुई थी तो नमाज़ पढ़ते हैं। नानी भी माशाल्लाह में नमाज़ पढ़ रही है, मैं नमाज़ पढ़ी। अरे एक बात बताना भूल गया, मैं बड़ा हैरान था माशाल्लाह, लेकिन रमज़ानों से पहले रमज़ानों में नहीं माशाल्लाह हमारी मैमा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने लग गई थी भाई। किसने लगाई है मैमा नमाज में, किसने किसी ने किसी ने तो बोला है। चलो नानी वहाँ नमाज़ पढ़ती है, मैं यहाँ नमाज़ पढ़ता हूँ, और मैमा तुमने पढ़ ली? हाँ।
आज की इफ्तार हम मैंने सोचा था कि मैं और मेहमा मिलकर बनाएंगे, लेकिन आज की इफ्तार हो गया हमारी सभा की तरफ से, जो कि हमें एकदम से पता चला सरप्राइज में कि सभा भी आज की इफ्तार हमारी बना रही है, क्योंकि मम्मा चली गई हैं आप ही के साथ। मुझे कहा कि घर में सब अकेले हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे से अकेले हैं, तो उनके पास चलो थोड़ा ख्याल वाल रखता हूँ बच्चों का, तो सब अच्छा बना क्या रही है, मुझे कार्ड क्यों नहीं है फिर, मुझे नहीं पता, पता नहीं उन्होंने देखो भी क्या किया है यहाँ पे, तो सारा सामान इन्होंने ये मम्मा ने किया है, तो आपने क्या किया है वो आपको इफ्तार भी नजर आएगा, इफ्तार भी नजर आएगा, अच्छी पक्की बात है, हो सके कि नहीं हो सके। ओके, तो वैसे हम सोच रहे थे बाहर से भी कुछ मंगा लेना चाहिए हमें, क्योंकि मुझे लग रहा है आज की इफ्तार थोड़ी सी वैसे कैसे जा रहे हैं आजकल के रोजे, रोजे कैसे जा रहे हैं, रोजे कैसे जा रहे हैं, माशाल्लाह पढ़ के आ रही है, डायरेक्ट पढ़ के आ रही है माशाल्लाह भाई, बड़ी हिम्मत है, मैं तो अभी बस सो के उठा था थोड़ी देर पहले, लग गया मुझे बाहर आज लग गया। वैसे यार रोजे इतने मुश्किल नहीं जा रहे हैं, इस बार अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि मैं सोते रहते हैं उनकी, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं कल पूरी रात नहीं सोया हुआ था, शाम में 5 बजे आके सोया था, तो भी मुझे रोजा नहीं लगा था इतना ज्यादा, पासपोर्ट ऑफिस अब गए थे भाई के साथ, तो बस चलते हैं, इनकी तो इकट्ठी रहेगी और हम जा रहे हैं थोड़ी देर ऊपर, फिर आके देखते हैं कि सभा भी बना के नहीं, बता ही रही है लेकिन अभी बंदे खाएंगे, ऐसे लोगों को रोजा कैसे लगेगा, किचन में आए देखते हैं क्या बन रहा है, चले ऊपर चलते हैं। हाँ ऊपर से आ रहे हैं ना, पतंग उड़ा के आ रहे हैं थोड़ी सी देर, हम पतंग उड़ा रहे थे और ये हमारे भाई खेस में पागल हुए हैं, क्योंकि इनकी पतंग का पता नहीं कन्ना टूट गया आगे का जो बनते हैं, ये देख लाइफ में कभी इतना सीरियस नहीं हुआ जितना अभी हुआ भाई, ये देखें इसको जरा, इस मर्द को देखें जरा आप, इसकी हरकतें देखें भाई, पतंग गिरने वाली है इसकी, ये गिर गई, सेफ नहीं है अभी, पढ़ाते थे अब उसको छोड़ गए, भाई भी आ गए और वो भाई पे ही लड़ा रहे हैं, देखो किससे कटवाते हैं कटती है। अब वापस आए नीचे और काफ़ी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, यहाँ पे सभा भी बना रही है पकौड़े, और यहाँ बन गए हमारे अंडे वाले बर्गर क्या बनाए भैया आपने, कैसे बनाए अपने अंडे वाले बर्गर, ये हाँ जैसे बनता है अच्छे बने, कौन से कबाब के बनाए घर के, ये नहीं उठा के दिखा दूँ, चलो भाई अब अंडा का है बन गया कबाब का है नीचे, अच्छा नीचे वाले पे, तो आए जरा कवर करके रखते हैं, आए जरा हम आपको दिखाते हैं, ओए होए होए, ये रहा हमारा कबाब, ये रहा हमारा अंडा, अंडा मैं खाई से तो अंडा निकाल के खाऊंगा, अरे वाह भाई, भाई ने सब मेहमान ने बताया होगा कि मैं अंडा नहीं खाता, मुख्तियार ने बताया होगा, तो मुख्तियार ने बताया होगा, और आप क्या कर रही हैं अभी चीज, कल के ये बेचारी देखे पागल, कल के मैक्रोनी पे आज मेहनत करने में लगी है, लोगों को दिखा रही है कि मैंने बहुत काम किया है, मैंने बहुत मेहनत की है, तो ये क्या कर रही हूँ खड़ी हुई 10 मिनट से जब से आया हूँ, चीजें खा ली हूँ, और कितनी चीजें खाओगे यार तुम, चलो वही हमारे बनाए सभा पीने चिकन पकौड़े, वैसे ही होती चिकन है बस इसके अंदर बेसन डाल दिया तो चिकन पकौड़े हो गए, क्यों ये भैया हमारे बर्गर आ गए हैं, एक ही तवे के अंदर सारे बर्गर आ गए, सभा भी लेकिन बड़े मजे के लग रहे हैं यार शक्ल से, टू बी वेरी ऑनेस्ट मजाक नहीं करूंगा, लेकिन मैंने पिज्जा ही मंगाया है, नहीं बर्गर ज्यादा मेरे खास, बर्गर मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है पिज्जा के आगे देखा जाए तो, तो भाई सारी इफ्तारी माशाल्लाह हमारी बन चुकी है, आज हमने सोचा था कि हम डायरेक्ट सिर्फ बाहर से सारी इफ्तारी मंगाएंगे और खा लेंगे, क्योंकि मम्मा तो घर में थी नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि कहते हैं ना आप रिस्क आपके नाम पे जहाँ लिखा है वहीं का मिलेगा आपको, और एकदम से हमारे घर पे एंट्री मारी सभा आप ही ने तो उसके बाद हमारा बड़े बड़े बनना शुरू हो गया, और अब बस पिज्जा भी जाते हैं, सारे बैठे हैं और आगे किसी मिलते हैं, अब बैठे हैं हम सारे इफ्तार पे, तो ये हमारा बर्गर है माशाल्लाह क्या किया बर्गर हमारे थोड़े से जल गए, तो भाई सभा भी एक्स्ट्रा, हाँ उन्होंने दोनों अपने जला दिया और ये हमारा मेरा हो गया, मैं वो भी खा लेगी, वही बड़ी कचौरियाँ हुई हमारे मैक्रोनीस हो गई, नानी आपने वो क्या है? आपने ये क्यों नीचे रख दी कचौरी, नानी रोजा कैसा गया आपका, रोजा कैसा गया, आज तो नानी का बहुत रोजा लग रहा है, बस चलो रोजा खुलने का टाइम हो गया, और ये हमारी माशा इफ्तारी है और बाकी चीज़ आती रहा, ये आज की हमारी इफ्तारी सभापी की तरफ से, सारी चीज़ें सभापी ने बनाई है, पकौड़े ये चिकन पकौड़े ये पकौड़े ये दूसरे पकौड़े तीसरे 4 पकौड़े बनाया सभापी आपने, और ये हमारे बर्गर को क्या कर दिया, ये बर्गर क्या कर दिया जले हुए दिख रहे लेकिन है तो नहीं, तो ये हमारा सारा माशा इफ्तारी हो गई है और बस इफ्तारी करते हैं और इसके बाद हमारा पिज्ज़ा आएगा, खैर इफ्तारी हम कर चुके होंगे अब तक,